अलैकुम प्रॉपर्टी सर्विसेज से नाम सर। देखिए डीएचए नाइन टाउन डीएचए फेज नाइन टाउन लाहौर के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। ये इसके बारे में मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, इसकी प्राइसेस के हवाले से मैं आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पे अभी जो प्राइसेस चल रही हैं, यकम दिसंबर से प्राइसेस की काफ़ी हाई थी। यहाँ पे पांच मरले का प्लॉट जो था ए ब्लॉक में और सी ब्लॉक में काफ़ी प्राइसेस हाई थी। यहाँ पे मिनिमम करोड़ और मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी डिमांड शुरू हो गई थी। और बी ब्लॉक में यहाँ पे तकरीबन कोई 97-98 था एंड बाउंड्री पे, और मैक्सिमम मेन पे अगर पांच मरले आ जाते थे 1 करोड़ 20 और 1 करोड़ 25 भी डिमांड की गई थी। और इसी तरह डी ब्लॉक में 1 दिसंबर से पहले यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 तक प्राइसेस डिमांड की गई थी। फिर यकम दिसंबर को यहाँ पे जिस टाइम एफबीआर का एकदम इसका नया टेबल आया है और यहाँ पे टैक्सेस लगे, उसके उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट स्लो ईयर यहाँ पे करेक्शन आई है। तो इस टाइम तकरीबन कोई 5 से 10 लाख रुपए जो है मार्केट रिवर्स हुई है और इस टाइम बायर मार्केट में कम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर परचेजर को देखें तो परचेजर के लिए तो गोल्डन चांस है कि उसके पास इस टाइम ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और प्राइसेस भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ए ब्लॉक में पांच मरले का रेट जो है ये तकरीबन आ गया है कोई 96-97 से स्टार्ट होता है, यानी मिनिमम मैक्सिमम चला जाता है 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख रुपए। इसमें हमें कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है। बी ब्लॉक की बात करूं तो बी ब्लॉक में 92-90 से लेके और मैक्सिमम यहां पे अगर मेन पे हम आ जाते हैं 1 करोड़ 15 और 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे, क्योंकि बी ब्लॉक के मेन पे पांच मरले के प्लॉट आ रहे हैं। सी ब्लॉक की लोकेशन अच्छी है, यहां पे अस्करी 11 के ऑपोजिट आ रहा है 8 मरला और इसकी बैक पे 5 मरला आता है। 5 मरले की यहाँ पे सी ब्लॉक में शुरू से लेके अब तक प्राइसेस जो है हाई रही हैं। यहाँ पे सी ब्लॉक में मिनिमम जो है 95 मैक्सिमम चली जाती है 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इसमें हमें कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है। डी ब्लॉक में बाउंड्री के प्लॉट जो है जो 95-97 डिमांड की जा रही थी, यहाँ पे 90-92 का प्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छी लोकेशन जो है तकरीबन 1.5 करोड़ तक का हमें प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह ई ब्लॉक को अगर हम देखें, ई ब्लॉक में यहाँ पे हमको हमें जो प्राइस मिल रही थी यहाँ पे 1 दिसंबर से पहले यहाँ पे तकरीबन थी कुछ 75 मिनिमम, मैक्सिमम इसकी भी 90-92 तक इसकी प्राइस गई थी। तो अब इसमें भी तकरीबन 10-10 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, करेक्शन आ गई है। 8 मरला भी इसी तरह यहाँ पे डिमांड की जा रही थी 190-195 और यानी मिनिमम 180 से शुरू होके 195 तक प्राइसेस चली गई। यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए करेक्शन आ चुकी है 8 मरले में। इसी तरह 10 मरले की भी प्राइसेस जो है मिनिमम रेट यहाँ पे चल रहा था तकरीबन को 250-255, उसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए उसमें करेक्शन आई है। और ये अगर एफबीआर का रेट जो है अगर ये रिवर्स नहीं होता और मार्केट इसी तरह से होती है तो यहाँ पे मार्केट में मजीद करेक्शन आ सकती है। लेकिन यहाँ पे चांस दोनों हैं कि 15 जनवरी के बाद इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो चांस बन रहा है कि एफबीआर रेट कुछ कम होंगे तो मार्केट चलने के भी चांस हैं। बीच में इलेक्शन भी हमारे चल रहे थे जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल खामोश थी, इलेक्शन भी कंप्लीट हो गए और अब इंशाल्लाह ताला मार्केट को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद आप मेरे साथ कोई आप इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, कोई प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर चल रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।